करैली का ओम प्रकाश राजभर पर करारा हमला। पूर्व मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर की लगा दी लंका। आजमगढ़ में सपा नेता ने दिया विवादित बयान। ओम प्रकाश राजभर को बताया नासमझ और पागल। कोसी उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद अब ओम प्रकाश राजभर की खूब फजीहत हो रही है। उनके बड़पोलेपन के कारण अब ओम प्रकाश राजभर की खूब किरकिरी हो रही है। लोग तरह तरह के कमेंट उन पर कर रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के सपा नेता व पूर्व मंत्री चंदेव राम यादव उर्फ करैली ने भी करारा हमला बोला। चंदेव राम यादव सपा के मऊ जिला प्रभारी भी हैं। पूर्व मंत्री चंदेव यादव ने उपचुनाव के प्रचार के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि या तो वो नासमझ है या फिर वो पागल हो गए। वह कभी योगी जी को, कभी मोदी जी को और कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ भी बोल देते हैं। पहले तो हम ये कहेंगे कि घोसी का जो परिणाम आया है इंडिया के पक्ष में, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया, इस जीत के लिए घोसी की जनता का हम कोट कोट नमन करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। उनको हर तरह से हम लोगों ने जो सोचा था वो जनता के मन में था और जनता ने उसको अपने साइकिल वाली चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से जिता दिया। ये इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। इसके बाद हम अपने संगठन के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि संगठन जो बना था, जो बना है, हम एक महीना घोसी में रह करके आए हैं और हमारे समझ से एक भी वर्कर हमारा किसी भी तरीके से, जो हमारे नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो बूथ के हमारे प्रभारी थे, जो सेक्टर के प्रभारी थे, जो जोन के इंचार्ज थे और वहाँ के बड़े नेता और जितने लोगों ने सहयोग किया, सबका हम धन्यवाद करते हैं। इस जीत के लिए ये देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद वहाँ पे लगे थे और तमाम बातें हुई, नकारात्मक राजनीतिक तक भी हुई, तो क्या कहेंगे, जिस तक क्या संदेश दिया जनता ने? ऐसा है कि देखिए, ओम प्रकाश जो बोलते हैं, हमारे समझ से उनको समझ नहीं है या तो वो दिमागी रूप से पागल हो गए हैं। कभी भी इस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए। वो योगी जी को क्या बोले, मोदी जी को क्या बोले, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को क्या बोले, हमारे शिवपाल जी को क्या बोले, ये नेताओं के प्रति, समाज के प्रति, जात के प्रति इस तरह की उनकी छोटी ओछी बात है जो वो बक देते हैं, उनको नहीं बकना चाहिए। अब आज के डेट में घोसी में जाते हुए तब उनको इस बात का एहसास होता कि हम क्या गलती किए थे। हमारे समझ से राजभर समाज भी हमको वोट दिया, हम तो वही जन थे, चौहान समाज भी वोट दिया, हमारा पिछड़ा समाज भी वोट दिया, हमारा अगड़ा समाज भी वोट दिया, मुसलमान भाइयों ने वोट दिया, दलित समाज ने झूम करके वोट दिया, जिससे इतनी बड़ी जीत हुई। इसलिए हम समाज के सभी वर्गों को, जात धर्म तोड़ तोड़ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, घोसी की जनता वो बधाई के पात्र हैं।